संसदेमध्ये नुकताच संमत झालेल्या NRC आणि कॅब विधेयकाच्या विरोधात आज रायगडमध्ये जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात आले. बहुजन मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून बहुसंख्य मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारने NRC आणि कॅब ही घटनाविरोधी विधेयकं त्वरित रद्द करावीत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. इन्कलाब, झिंदाबाद, वंदे मातरम यासह एकात्मतेच्या जोरदार घोषणा या विधेयक प्रदर्शनादरम्यान देण्यात आल्या. शुक्रवारच्या दुपारनंतर माणगाव प्रांत कार्यालयासमोर हे विरोध प्रदर्शन करण्यात आले. देखिए, यहाँ पे इतनी तादाद में लोग जमा हुए हैं, जहाँ भी इतनी तादाद में लोग जमा होते हैं वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है. ये जो उन्होंने लॉ पास किया है, हमारे उद्धव साहब ने तो पहले ही बोला है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा इस हालत में. तो हमें ये तय करना है कि यहाँ पे इस हालत में इम्प्लीमेंट ना हो, ये हमारा मेन प्रायोरिटी है. बाकी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो एकजुट होकर सारा समाज जो आया है वो सिर्फ इसीलिए कि उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ है. उत्तर से दक्षिण तक और मगरिब से मशरक तक कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में सुनसान है, कहीं ना कहीं चिता की आग जल रही है. तो ये हिंदुस्तान हमने नहीं देखा था. एक फेमस शायर ने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा. आज भी हिंदुस्तान नंबर एक पे है, आज भी ये हमारा गुलसिता है और आज भी हम इसकी बुलबुलें हैं. नाराज़ होना तो हमारा हक है, लेकिन जो कुछ गड़बड़ है हम सब मिलके, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हम सब मिलके इसे इंशाअल्लाह तय करने की, इस पड़ाव को पार करने की कोशिश करेंगे. और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सब साथ हैं. मेरा सिर्फ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम शौकिया एक साथ होते हैं, नहीं, हमें ज़रूरतन एक साथ होना है. ये हम सबों की ज़रूरत है कि हम एक साथ हों. तो इसीलिए गड़बड़ हमारे पास भी है. इंशाअल्लाह आप लोग जो इतने तादाद में मौजूद हो, ये आपकी तादाद की हिम्मत है जो कोई भी पड़ाव पार करेगी. ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है. और जाहिर बात है पूरे हिंदुस्तान में हलचल फैली हुई है. कम से कम हमें इतनी तो कम से कम गारंटी और सिक्योरिटी है कि महाराष्ट्र में हम डायरेक्टली इसके लाइन ऑफ फायर में नहीं आएंगे.